हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। ये टाइम और वर्क रिगार्डिंग न्यूमेरिकल है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले पढ़ते जाएंगे और इसे अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाएंगे। टू पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स। टू पाइप दिए हुए हैं जो कि एक टैंक को, पहला पाइप अगर अकेला पहला पाइप टैंक को फुल करता है तो 10 आवर्स में उसे फिल कर देता है, और अगर केवल दूसरे पाइप की बात करें तो वो 12 घंटे में उसे फिल कर देता है रिस्पेक्टिवली। व्हाइल ए थर्ड पाइप, अगर थर्ड पाइप एम्प्टाइड द फुल टैंक इन 20 आवर। एक थर्ड पाइप है, जो तीसरा पाइप है, जो कि केवल तीसरा पाइप की बात करें तो वो 20 आवर में उसको पूरा खाली कर देता है, ठीक है। इफ ऑल द थ्री पाइप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। मतलब अगर तीनों एक साथ काम करें तो टैंक कितने देर में फिल हो जाएगा। तो टाइम और वर्क से रिगार्डिंग कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, उसके लिए एक कॉमन ट्रिक है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है न्यूमेरिकल्स में, कि सबसे पहले निकालते हैं आप लोग टोटल यूनिट वर्क है। जैसे टोटल यूनिट ये क्या है, आपका वर्क है कि टोटल यूनिट हमें कितना काम करना है। तो टोटल यूनिट के लिए आप कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ जो गिवन टाइम होगा, ये क्या होगा सबका जो गिवन टाइम है, इसके लिए 10 आवर दिया हुआ है तो हम लोग क्या यहाँ पर लिख लेंगे 10 कॉमा, ये 12 आवर दिया हुआ है तो 12 आवर लिख लिया, और जो तीसरा पाइप है वो 20 आवर में खाली कर देता है, 20 लिख लिया। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा। तो हमारा जो टोटल काम है वो क्या 60 यूनिट हो गया, ओके। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, आपको निकालना होता है प्रत्येक के लिए, प्रत्येक यहाँ पर क्या टेप दिया हुआ है, प्रत्येक नल के लिए आपको यूनिट पर आवर निकालना है, ठीक है। यूनिट पर टाइम होता है लेकिन यूनिट पर आवर, यहाँ पर टाइम आवर में दिया हुआ तो यूनिट पर आवर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले पाइप को जो कि फिल करता है उसको ए मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कितने 10 आवर में फिल कर देता है, तो इसके लिए क्या 10 आवर लगता है। और जो दूसरा पाइप है उसको हम बी मान लेते हैं, उसे फिल करने के लिए 12 आवर लगता है तो हम इसको 12 आवर मान लेते हैं। जो तीसरा पाइप है वो क्या है, खाली करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या है 20 आवर में उसे खाली कर देता है, ओके। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं ये प्लस, और इसको भी हम प्लस रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको माइनस रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए कि जो ए और बी पाइप हैं ये क्या है टैंक को फिल करने में, टैंक को भरने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और सी क्या है टैंक को खाली करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। अब हमने क्या है टोटल यूनिट, टोटल यूनिट हमारा कितना हो गया कि मतलब हमको कितना वर्क करना है, तो टोटल यूनिट आपका हो गया 60 यूनिट, तो हमको 60 यूनिट वर्क करना है, ठीक है। अब पहला हमारा काम हो गया टोटल यूनिट निकालना, अब दूसरा हमें निकालना है यूनिट पर आवर, तो हम प्रत्येक के लिए यूनिट पर आवर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए निकालेंगे यूनिट पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा टोटल यूनिट अपॉन जो टाइम दिया होगा इसके लिए वो कर देंगे, ठीक है। तो टोटल यूनिट हमारा कितना है 60 यूनिट है, जो कि सबके लिए सेम होगा, लेकिन इसके लिए टाइम क्या है सबके लिए डिफरेंट होगा। इसके लिए टाइम क्या है 10 आवर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा 10 हो गया। तो ये लेकिन इसके लिए हम क्या है प्लस यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है टैंक को फिल करने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आ गया प्लस 6 है यूनिट पर आवर। मतलब अगर ए की बात करें तो ये एक घंटे में 6 यूनिट फिल कर देता है। इसी तरह से हम बी की बात करेंगे तो टोटल यूनिट क्या सेम है, यहाँ पर 60 हो जाएगा अपॉन टाइम, टाइम कितना है यहाँ पर 12 आवर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 12 आवर हो जाएगा। तो इसके लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे, क्योंकि ये भी टैंक को फुल करने के लिए, टैंक को भरने के लिए यूज किया जाता है। तो 12 × 5 = 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यूनिट पर आवर, मतलब एक घंटे में 5 यूनिट ये टैंक को फिल कर देता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम यूज करेंगे टोटल यूनिट सेम है सबके लिए, तो 60 हो जाएगा अपॉन 20 आवर, तो 20 आवर यहाँ पर कर देंगे तो 20 × 60, लेकिन यहाँ पर हम लोग माइनस रिप्रेजेंट माइनस साइन यूज करेंगे, क्योंकि ये टैंक को खाली करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। अब हम ये लोग अगर तीनों साइमल्टेनियसली वर्क करें एक साथ तो कितना टाइम लेंगे, तो ए हो जाएगा प्लस का बी प्लस सी, तो ये क्या है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक घंटे में 6 यूनिट फिल कर देता है, ये एक घंटे में 5 यूनिट फिल करता है, लेकिन एक घंटे में ये 3 यूनिट को खाली कर देता है। तो यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे तो 6 प्लस का 5, लेकिन ये क्या माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 8 यूनिट पर आवर आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है टोटल टाइम निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। टोटल टाइम इक्वल टू क्या होगा टोटल यूनिट, टोटल यूनिट हमको कितना 60 यूनिट काम करना है अपॉन टाइम कितना दिया 8 यूनिट पर आवर है, मतलब एक घंटे में इतना यूनिट भरता है, तो ये यूनिट हो जाएगा, यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 / 1/2, इतना आवर आ जाएगा, मतलब 7.5 घंटे लगेंगे आपको इसको फिल करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये आप किस तरह से इस टेक्निक का यूज करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिगार्डिंग आप और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं सेम ट्रिक का यूज करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक।